हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे आप लोगों के 17 अप्रैल 2022 को, उसके सेट सेकंड का जो आंसर की है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑन टचिंग अ हॉट लिक्विड वी फील हॉट, दिस प्रोसेस बाय विच पेन सिग्नल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरीफेरी टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड टू द ब्रेन इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम किसी हॉट लिक्विड को टच करते हैं जिसकी वजह से हमें हॉट फील होता है, तो यहाँ पर जो सिग्नल ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, जो प्रोसेस है जिसमें पेन सिग्नल ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं पेरीफेरी से लेके स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन तक के, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ परसेप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ ट्रांसडक्शन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फोर, ट्रांसमिशन। प्रोसेस जो है ये ट्रांसमिशन की वजह से हो रही है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं वो सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं, पहले पेरीफेरी से स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएंगे, कॉर्ड से ब्रेन तक जो है सिग्नल को ट्रांसफ़र करेंगे एंड वापस ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन है पेरीफेरी में आएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी सिग्नल है वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसमिशन कहा जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ डेंगू इन द मंथ ऑफ अगस्त और लाइकली टू इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर इज कॉल्ड। यहाँ पर दिया गया है डेंगू के जो केसेस हैं वो मंथ अगस्त में इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो अगर उनके फ्यूचर में भी और ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? नंबर फर्स्ट इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ एक्यूट इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ इमर्जिंग इन्फेक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फोर, इमर्जिंग इन्फेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो होता है जो कि हॉस्पिटल के कांटेक्ट में होने से हो, अगर हम हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं और वहाँ से हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाता है। एक्यूट इन्फेक्शन जो कि 7 डेज़ के अंदर अंदर हो रहा है और क्रॉनिक इन्फेक्शन जो लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, और इमर्जिंग इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन कहलाता है जिसमें एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में सपोज़ कि डेंगू के केसेस हमें देखने को मिले और अब हमें फ्यूचर में भी चांसेस हैं कि अगर हमें 1-2 केसेस यहाँ पर मिले हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो अब उसके केसेस और ज़्यादा बढ़ने के, इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं फ्यूचर में, तो उस कंडीशन को हम इमर्जिंग इन्फेक्शन कहते हैं या फिर उभरते संक्रमण इसे कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एन ऑर्डरली प्रोसेस इन द सेल दैट प्रोग्रेस फ्रॉम अ स्टेट ऑफ इमैच्योर टू अ स्टेट ऑफ मैच्योरिटी इज़ कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है कि जो सेल की प्रोग्रेस हो रही है जिसमें इमैच्योर सेल से मैच्योर सेल बन रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ सेल प्रोलिफरेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ सेल डिफ्रेंशिएशन, ऑप्शन नंबर थ्री सेल मेटाबॉलिज्म एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ सेल फंक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड, सेल डिफ्रेंशिएशन। सेल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसमें जो इमैच्योर सेल्स हैं वो मैच्योर बनती हैं। जैसे भी देख सकते हैं स्टेम सेल्स जो होती हैं उनके द्वारा जो है माइलॉइड सेल्स बनाई जाती हैं एंड लिम्फॉइड सेल्स बनाई जाती हैं, सेल्स एंड कॉमन लिम्फॉइड सेल्स, और फिर माइलॉइड के बाद जो है यहाँ पर अगेन जो है इमैच्योर सेल मैच्योर होती हैं, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स बनेंगे, मास सेल्स, माइलोब्लास्ट, यहाँ पर लिम्फॉइड सेल्स से नेचुरल किलर सेल्स बनेंगे, स्मॉल लिम्फोसाइट्स बनेंगे। तो इस प्रकार से जो है सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है, स्टेम सेल्स के द्वारा जो है सेल्स, अलग अलग टाइप की सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। कहा जाए कि इमैच्योर सेल से मैच्योर सेल बनने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सेल डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। प्रोलिफरेशन क्या होता है, तो सेल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सेल। यदि सेल के नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन टिश्यूज़ में तो उसे हम सेल प्रोलिफरेशन बोलेंगे। सेल मेटाबॉलिज्म कब बोला जाता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है जो कि सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में अगर पूछा गया है तो फिर हम सेल मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अ मैन सफर्ड मच इंजरीज फ्रॉम अ रोड traffic accident, the process that is important in minimizing his blood loss when various injured body structure is called. यहाँ पर पूछा गया है यदि एक व्यक्ति है जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से सफ़र कर रहा है तो यहाँ पर जो भी उसके ब्लड लॉस को मिनिमाइज़ करने की प्रोसेस हो रही है उसे क्या कहा जाएगा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ होम्योस्टेसिस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ हीमोस्टेसिस, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ हीमोलाइसिस एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ एरिथ्रोपोइसिस. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड हीमोस्टेसिस. यहाँ पर यदि ब्लीडिंग को स्टॉप करने की, ब्लड लॉस से प्रिवेंट करने की बात पूछी गई है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हीमोस्टेसिस. और यहाँ पर होम्योस्टेसिस का मीनिंग होता है कि अगर हमारे बॉडी में थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस हो रही है, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस हो रही है, जैसे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, तब हम यहाँ पर होम्योस्टेसिस बोलेंगे. अगर हीमोलाइसिस की बात की जाए तो हीमोलाइसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, और एरिथ्रोपोइसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन होता है. यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हीमोस्टेसिस. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Which of the following connective tissues perform transportation, regulation and protection in the body? इनमें से ऐसा कौन सा connective tissue है जो कि transportation, regulation और protection करने में help करता है हमारे body में. Option number first is blood, option number second is bone, option number three is cartilage and option number four is adipose tissue. तो यहाँ पर इसका जो right answer है that is option number first blood. ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का, CO2 का रेगुलेशन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं. अगर हमारे बॉडी में कोई भी इंजरी हो गई है तो वहाँ पर जो भी हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहेंगी वो एग्रीगेट होंगी उस साइट पर जाकर, इन्फेक्शन हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करेंगी, साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में ब्लड हेल्प करता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एंडोक्राइन हार्मोन्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट दैट एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट. यहाँ पर जो एंडोक्राइन हार्मोन्स दिए गए हैं वो सभी एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, सिर्फ किसी एक को छोड़कर. ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ ग्रोथ हार्मोन. तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फोर ग्रोथ हार्मोन. यहाँ पर जो तीनों हार्मोन्स दिए गए हैं थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सभी क्या करते हैं डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं एरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को. ग्रोथ हार्मोन है ये अभी तक इस पर रिसर्च चल रही है कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये एरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है या नहीं, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि ग्रोथ हार्मोन एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फोर ग्रोथ हार्मोन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द मेड्यूला ऑफ द किडनी. यहाँ पर पूछा गया है कि किडनी के मेड्यूला वाले रीजन में क्या लोकेट रहता है. जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ बोमन्स कैप्सूल, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ लूप ऑफ हैनली एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर थ्री लूप ऑफ हैनली. देख सकते हैं इमेज में जो मेड्यूलरी सब्सटेंस है, मतलब जो मेड्यूलरी वाला पोर्शन रहेगा वहाँ पर जो किडनी है उसका लूप ऑफ हैनले प्रेजेंट रहेगा. यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लूप ऑफ हैनले है ये मेड्यूलरी वाले रीजन में प्रेजेंट है, और कॉर्टेक्स वाला रीजन है यहाँ पर आपको ग्लोमेरुलर, बोमन्स कैप्सूल ये देखने को मिल जाएगा. प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स भी जो है कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट रहती हैं, और जो लूप ऑफ हैनली है ये जो है मेड्यूलरी वाले रीजन में प्रेजेंट रहता है किडनी के, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं. साथ ही साथ जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं ये भी मेड्यूलरी वाले रीजन में प्रेजेंट रहता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पीनियल ग्लैंड इज़ कंपोज्ड ऑफ. पीनियल ग्लैंड पूछा गया है कि पीनियल ग्लैंड कौन सी सेल से कंपोज रहती हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्टेरॉइड सेंसिटिव सेल्स, ऑप्शन नंबर सेकंड इज पिनेलोसाइट सेल्स, ऑप्शन नंबर थ्री इज फोटो सेंसिटिव सेल्स एंड ऑप्शन नंबर फोर इज स्टेरॉइड रेजिस्टिव सेल्स. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड पिनेलोसाइट सेल्स. पीनियालोसाइट सेल्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो पीनियालोसाइट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन और सिंथेसिस के लिए जो पीनियालोसाइट सेल्स होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज। यहाँ पर पूछा गया है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट रहती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ ग्लियल सेल्स, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ सिनेप्स, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ न्यूरोट्रांसमीटर एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ नोड्स ऑफ रैनवियर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड सिनेप्स। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं दो न्यूरोट्रांसमीटर बीच में जो यहाँ पर जंक्शन प्रेजेंट रहता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वैन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द सिस्टमैटिक आर्टेरियल सर्कुलेशन साइनोसिस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स रिजल्ट इन साइनोसिस फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर पूछा गया है यदि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सिस्टमैटिक आर्टेरियल सर्कुलेशन में चले जाए या मिक्सिंग हो जिसकी वजह से बॉडी में साइनोसिस हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एओर्टिक एस्टीनोसिस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज कॉरक्टेशन ऑफ aorta and option number 3 is patent ductus arteriosus and option number 4 is tetralogy of Fallot। तो यहाँ पर इसका जो right answer है that is option number 4 टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट वाली कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन में फोर डिफेक्ट प्रेजेंट रहते हैं हार्ट में। फोर डिफेक्ट्स में जो फर्स्ट डिफेक्ट रहता है उसमें यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल रहते हैं उन दोनों के बीच में एक सेप्टल डिफेक्ट रहता है जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाकर मिक्सिंग हो जाता है जिसकी वजह से साइनोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इसे कहा जाता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से जो यहाँ पर ब्लड है वो मिक्स हो जाता है और इसकी वजह से हमें साइनोसिस की कंडीशन पेशेंट में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है अ 2-year-old बेबी इज़ एडमिटेड इन द पीडियाट्रिक मेडिसिन वार्ड विथ फीवर एंड डायग्नोज्ड एज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इन चिल्ड्रन। एक 2-year-old बॉय है जो कि पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट है जिसके सिम्टम्स हैं कि उसे फीवर आ रहा है और प्लस उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो पेशेंट को यदि यूटीआई हो रहा है तो उसका कॉमन कॉज क्या रहेगा, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से यूटीआई हो रहा है पेशेंट को? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर सेकंड इज ईस्टेरिया कॉलाई, ऑप्शन नंबर थ्री इज स्ट्रेप्टोकोकस एंड ऑप्शन नंबर फोर इज स्टेफाइलोकोकस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड ईस्टेरिया कॉलाई। ईस्टेरिया कॉलाई बैक्टीरिया जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। फिर यहाँ पर जो और बैक्टीरियाज दिए गए हैं जैसे कि स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास जो है ये ओटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेफाइलोकोकस जो है ये अगर सेल्यूलाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ फुल टर्म न्यूबॉर्न डिड नॉट पास मेकोनियम इन द फर्स्ट 24 आवर, इन विच ऑफ द डिसीज़ कंडीशन विल दिस अकर। यहाँ पर पूछा गया है एक फुल टर्म न्यूबॉर्न है जो कि मेकोनियम पास नहीं कर पा रहा है 24 घंटे के अंदर अंदर फर्स्ट 24 आवर में, तो उसको कौन सी डिसीज़ कंडीशन अकर हो सकती है? ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ इंटरसेप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ सीलियक डिसीज़, ऑप्शन थ्री इज़ हिर्शस्प्रंग डिसीज़ एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर थ्री हिर्शस्प्रंग डिसीज़। हिर्शस्प्रंग डिसीज़ को ही मेगा कॉलन भी कहा जाता है। इस डिसीज़ कंडीशन में क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप की जो नर्व सेल होती है जिसे गैंग्लियन सेल कहा जाता है वो मिसिंग रहती है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसे स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होती है। राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर थ्री हिर्शस्प्रंग डिसीजेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है While performing physical examination of the newborn, testis could not be palpated in the scrotum. The failure of the testis to descend normally through the inguinal canal is called. यहाँ पर पूछा गया है कि यदि टेस्टिस जो है वो डिसेंड डाउन ना हो पाए, फेल्योर हो जाए डिसेंड डाउन होने में, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज कॉर्डी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज एपिस्पैडियासिस, ऑप्शन नंबर थ्री इज हाइपोस्पैडियासिस एंड ऑप्शन नंबर फोर इज क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म. टेस्टिस है वो डिसेंड डाउन होने से फेल हो जाए स्क्रॉटम में, तो इसको क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहा जाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मैथड टू बी फॉलोड व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग टू लाइव वैक्सीन्स एट एनी गिवन टाइम इज. यदि ऐसी मैथड हम फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम दो लाइव वैक्सीन्स को एक ही टाइम पर दे रहे हैं, तब हमें कौन सी कंडीशन को फॉलो करना है, कौन सी मैथड यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मिक्स बोथ एंड गिव एज एन शॉट, हमें दोनों को मिला लेना है और एक शॉट के रूप में देना है. ऑप्शन नंबर सेकंड इज एडमिनिस्टर बोथ साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट, हमें दोनों को अलग अलग जगह पर देना है. ऑप्शन नंबर थ्री इज एडमिनिस्टर बोथ एट वन डे इंटरवल, हमें एक दिन के बाद दोनों को देना है. एंड ऑप्शन नंबर फोर इज एडमिनिस्टर बोथ एट थ्री डेज इंटरवल, या फिर हमें थ्री डेज के इंटरवल में देना है. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड, एडमिनिस्टर बोथ साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट, हमें अलग अलग साइट पर हम दोनों लाइव वैक्सीन्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है न्यूमोकोकल वैक्सीन इज. न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सब यूनिट वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज प्रोटीन वैक्सीन, ऑप्शन नंबर थ्री इज कॉन्ज्यूगेटेड वैक्सीन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, कॉन्ज्यूगेटेड वैक्सीन. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैपिड रिएक्शन ऑफ एनाफिलेटिक टाइप इन अ पर्सन रिसीविंग एन इम्यूनोग्लोब्यूलिन. यहाँ पर पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इम्यूनोग्लोब्यूलिन रिसीव कर रहा है तो इनमें से कौन से टाइप का एनाफिलेटिक रिएक्शन जो है वो अराइज होगा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पेन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज स्टेराइल एब्सिस, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइगर एंड ऑप्शन नंबर फोर इज क्राई. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर थ्री, राइगर्स. यहाँ पर राइगर का मीनिंग होता है स्टिफनेस, तो हमें स्टिफनेस देखने को मिलेगी मसल्स में. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है बाय एनुअल डी वार्मिंग ऑफ एडोलिसेंट इज डन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग. डी वार्मिंग मतलब जो भी वॉर्म्स रहते हैं, एडोलिसेंट रहते हैं, उनके जो स्टमक में वॉर्म्स हो जाते हैं, उनको डी वार्मिंग करने के लिए हम क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मैबेंडाजोल 100 mg, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अल्बेंडाजोल 100 mg, ऑप्शन नंबर थ्री इज मैबेंडाजोल 400 mg एंड ऑप्शन नंबर फोर इज एंडाजोल 400 mg. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर, एल्बेंडाजोल 400 mg जो है एडमिनिस्टर किया जाता है. एनुअल डी वार्मिंग जो है की जाती है एडोलिसेंट की, बाय एनुअल मतलब कि एक साल में दो बार उन्हें एल्बेंडाजोल का 400 mg डोज जो है ये एडमिनिस्टर किया जाता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईटिंग डिसऑर्डर इन एडोलिसेंट दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द रिफ्यूज़ल टू मेंटेन अ मिनिमल नॉर्मल बॉडी वेट आर एक्सेप्ट. किसी एक को छोड़कर यहाँ पर कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है जो एडोलिसेंट में प्रेजेंट रहता है जिसमें नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए फूड को रिफ्यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिया नर्वोसा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन नंबर थ्री इज बिंजे ईटिंग एंड ऑप्शन नंबर फोर इज पीका. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फोर, पीका. पीका जो है ये ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है. बाकी यहाँ पर जो भी तीनों डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बिंजे ईटिंग, ये सभी जो है ईटिंग डिसऑर्डर हैं. पीका ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो चाइल्ड रहता है उसमें नॉन न्यूट्रिशन सब्सटेंस खाने की डिसऑर्डर हो जाती है, जैसे कि या तो वो मिट्टी खाने लगेगा या ऐसी या सॉइल वगैरह जो है ये चाइल्ड खाने लगता है. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है अ 25-year-old मैन यूजेस कॉन्डम, विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन डज ही फॉलो. एक 25-year-old मैन यदि कॉन्डम यूज़ कर रहा है तो वो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड यूज़ होगी? Option number first is terminal method, option number second is barrier method, option number three is hormonal method and option number four is chemical method. तो यहाँ पर इसका जो right answer है that is option number second, barrier method. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पिल. पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन जो है कौन सी पिल को कहा जाएगा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज माला डी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज माला एन, ऑप्शन नंबर थ्री इज माइक्रोपिल एंड ऑप्शन नंबर फोर इज लिवोनोजेस्ट्रॉल. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर, लिवोनोजेस्ट्रॉल. लिवोनोजेस्ट्रल जो है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहती हैं. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओरल एबॉर्टिफेशिएंट. ओरल एबॉर्टिफेशिएंट मतलब ओरल मेडिकेशन जो कि ली जाती है एबॉर्शन के लिए. तो यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज लिवोनोजेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर सेकंड इज मिफेप्रिस्टोन, ऑप्शन नंबर थ्री इज एथिनाइल एस्ट्रेडियोल एंड ऑप्शन नंबर फोर इज माला एन. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड, मिफेप्रिस्टोन. मिफेप्रिस्टोन जो मेडिकेशन है ये ओरली ली जाती है एबॉर्शन को इंड्यूस कराने के लिए. बाकी यहाँ पर जो मेडिसिन दी गई है लिवोनोजेस्ट्रॉल जो है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं और यहाँ पर जो मेडिसिन दी गई है माला एन ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है. तो यहाँ पर जो मिफेप्रिस्टोन है ये इसका राइट आंसर है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहा जाता है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन नंबर सेकंड इज मेनोपॉज, ऑप्शन नंबर थ्री इज डिसमेनोरिया एंड फोर इज मेनार्की. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर, मेनार्की. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वॉट इज द एज क्राइटेरिया फॉर फीमेल स्टरलाइजेशन एज पर द NHM गाइडलाइन. फीमेल स्टरलाइजेशन के लिए क्या एज क्राइटेरिया दिया गया है NHM की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज बिलो द एज ऑफ 49 ईयर्स एंड अबव द एज ऑफ 22 ईयर्स. 49 ईयर्स से कम रहना चाहिए और 22 ईयर्स से ज़्यादा रहना चाहिए. ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स एंड अबव द एज ऑफ 20 ईयर्स. 30 ईयर्स से कम रहना चाहिए, 20 ईयर्स से ज़्यादा रहना चाहिए. ऑप्शन नंबर थ्री इज़ बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स एंड अबव द एज ऑफ 30 ईयर्स. 40 ईयर्स से कम रहना चाहिए एंड 30 ईयर्स से ज़्यादा रहना चाहिए. एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ बिलो द एज ऑफ 50 ईयर्स एंड अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिलो द एज ऑफ 49 ईयर्स एंड अबव द एज ऑफ 22 ईयर्स. यदि 49 ईयर की एज से कम है एंड 22 ईयर्स की एज से ज़्यादा है तब वो फीमेल स्टरलाइजेशन कर सकते हैं NHM गाइडलाइन के अंदर. यदि कोई फीमेल 49 ईयर्स की एज से कम है एंड 22 ईयर्स की एज से ज़्यादा है तब फीमेल स्टरलाइजेशन परफॉर्म किया जा सकता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Before recommending oral contraceptive for family planning to a 26-year-old woman, the community health officer would look for sign and symptom of which of the following. यदि हम किसी फीमेल को 26-year-old वुमन है जिसे फैमिली प्लानिंग के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो रिकमेंडेड कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो हमें किस साइन एंड सिम्टम्स को देखना है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डिसमेनोरिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अनीमिया एंड ऑप्शन नंबर थ्री इज हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज एक्ने वल्गैरिस. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर थ्री, हाइपरटेंशन. हमें पहले पेशेंट से पूछ लेना है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन तो नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंगारू मदर केयर इज़ नेसेसरी टिल बेबी अटेन्स अ वेट. हम कब कंगारू मदर केयर दे सकते हैं जब बेबी का वेट कितना रहना चाहिए. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ 1500 ग्राम, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ 2000 ग्राम, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ 2500 ग्राम एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ 3000 ग्राम. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर थ्री, 2500 ग्राम. तक जो बेबी है वो 2500 ग्राम वेट गेन ना कर ले तब तक हम बेबी को कंगारू मदर केयर दे सकते हैं एंड इट इज़ नेसेसरी अप टू द 2500 ग्राम ऑफ वेट। फिर उसके क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोग्राम डील्स विथ ट्रेनिंग हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिसक्सीटेशन। इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है डील किया जाता है न्यूबॉर्न केयर के लिए और रिसक्सीटेशन की ट्रेनिंग के लिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर थ्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ऑप्शन नंबर फोर इज नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये प्रोग्राम जो है न्यूबॉर्न केयर के लिए और रिसक्सीटेशन की ट्रेनिंग के लिए चलाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉलोइंग वैक्सीन्स आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी वैक्सीन जो है बर्थ के टाइम पर दी जाती है सिर्फ एक को छोड़कर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ BCG, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ हेपेटाइटिस एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ डिप्थीरिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फोर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को छोड़कर यहाँ पर जो भी तीनों वैक्सीन्स दी गई हैं ये सभी एट बर्थ हमें देनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है A child is said to be fully immunized if child receives all due vaccines as per national immunization schedule within। इधर गया है हम कब चाइल्ड को fully immunized कहेंगे, कौन सी एज कंप्लीट होने तक वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसके सारे ड्यू वैक्सीनेशन जो हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ 1/1 ईयर की एज में, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ 2/2, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ 3/3 एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ 5/5। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/1। 1/1 की एज में जितने भी इम्यूनाइजेशन होते हैं चाइल्ड के वो उसे रिसीव कर लेने चाहिए 1 ईयर की एज कंप्लीट होने के पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गैसियस एक्सचेंज ऑकर टू एंड फ्रॉम द फीटस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है फीटस और मदर के बीच में तो उसे क्या कहा जाता है? गैस बात हो रही है मतलब ऑक्सीजन और CO2 की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ऑप्शंस देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ डिफ्यूजन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ कंडक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर थ्री डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो भी लो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस रहते हैं जैसे गैसेस वगैरह हैं अगर ये एक्सचेंज हो रही हैं किसी भी सेल्स में तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग डिलीवरी द ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन ऑफ न्यूबॉर्न ऑकर्स, दिस इज कॉल्ड एज। यदि डिलीवरी के टाइम पर जो स्कल बोन है वो ओवरलैप कर जाए न्यूबॉर्न की तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऑसिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज मोल्डिंग, ऑप्शन नंबर थ्री इज प्रोट्यूबरेंस एंड ऑप्शन नंबर फोर इज फॉन्टेनल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड मोल्डिंग। यदि जो स्कल बोन है वो आपस में ओवरलैप हो जाएं तो उसे मोल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस इज। मस्कुलर वॉल है यूट्रस की उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ पेरीमेट्रियम, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ मायोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ एंडोमेट्रियम एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ एक्टोमेट्रियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड मायोमेट्रियम। मस्कुलर वॉल ऑफ यूट्रस जो है वो मायोमेट्रियम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड एज द गेट कीपर ऑफ प्रेगनेंसी। गेट कीपर ऑफ प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ यूट्रस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ सर्विक्स, ऑप्शन नंबर थ्री इज़ वेजाइना एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ फंडस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड सर्विक्स। सर्विक्स को गेट कीपर ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द वुमन इज़। एंटीनेटल पीरियड में जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ इंक्रीज, Option number second is decrease. Option number three is remains the same. Option number four is decreases with gestation. तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, सेम रहेगा या फिर गेस्टेशन के साथ साथ डिक्रीज़ होगा. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंक्रीज़. ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड में जो ब्लड वॉल्यूम रहेगा वो इंक्रीज़ होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन एंटीनेटल वुमन कंप्लेन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. दिस प्रोसेस ऑफ secretion of saliva during pregnancy caused due to the progesterone and HCG is called as. यहाँ पर दिया गया एंटीनेटल वुमन है वो कंप्लेन कर रही है कि उसे बहुत ज़्यादा सेक्रीशन हो रहा है सलाइवा का. तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो प्रोजेस्टेरोन और HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन की वजह से एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है सलाइवा को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम. ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ पेटाइलिज्म. ऑप्शन नंबर थ्री इज़ नोशिया एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ मॉर्निंग सिकनेस. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड पेटाइलिज्म. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं. यहाँ पर पूछा गया है अ फिफ्थ टाइम प्रेग्नेंट वुमन कम्स टू द एंटीनेटल ओपीडी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट टर्म दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हर प्रेगनेंसी स्टेट. एक एंटीनेटल वुमन आई है ओपीडी में जो कि फिफ्थ टाइम प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, उसके प्रेगनेंसी स्टेटस को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाएगी. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ मल्टीपैरा. ऑप्शन नंबर सेकंड इज मल्टीग्रेविडा. ऑप्शन नंबर थ्री इज ग्रैंड मल्टीपैरा एंड ऑप्शन नंबर फोर इज ग्रैंड मल्टीग्रेविडा. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फोर ग्रैंड मल्टीग्रेविडा. जो टर्म है हम उसे यूज़ करेंगे फिफ्थ टाइम प्रेग्नेंट वुमन के लिए. तो आज के वीडियो में हमने MP CHO के जो आंसर किए हैं उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.